आईआईटी गांधीनगर, जहां हर चांदनी रात के बाद एक नई सुबह का इंतजार होता है। आईआईटी गांधीनगर का कैंपस, जहां हर कोना खुद एक कहानी सुनाता है। सो वेलकम टू द कैनवस ऑफ ड्रीम्स, वेयर एवरी सनराइज इज अ प्रोमिस ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। आईआईटी गांधीनगर, वेयर ब्रिलियंस मीट्स ब्यूटी। शुरू करते हैं आईआईटी गांधीनगर कैंपस का सफ़र। ये कैंपस मेरे लिए एक कैनवस है, जहां मैं अपने अंदर छुपी कल्पनाओं को बयां करता हूं। यहां के अनोखी परंपराएं और ट्रेडिशन इस कैंपस को और भी खास बनाती हैं। इस कैंपस ने मुझे दिखाया कि पढ़ाई के अलावा भी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। जब एग्ज़ाम्स का प्रेशर बढ़ जाता है तो यहां के टी पोस्ट की चाय एक सहारा बन जाती है। रात 2 बजे की वो टी पोस्ट की चाय सारे दिन की थकान दूर कर देती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कैंपस लाइफ की शुरुआत होती है आरोहण से, सबसे अच्छा टाइम कैंपस का, जहां आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से नए नए कल्चर देखने और सीखने का मौका मिलता है। आरोहण वो टाइम है जिस टाइम आप आईआईटी को जान रहे होते हैं और आईआईटी आपको जान रही होती है। उसी सीएल के अनोखे सेशन और वो जैसन सर की बातें, उन बातों ने दिल पे एक छाप छोड़ दी। वो देर रात न्यू पीसी पे बैठना, बैठ करके अपने अपने किस्से सुनाना, एक दूसरे को जानते जानते न जाने हम कब एक परिवार बन गए, और ये परिवार वो परिवार है जो परिवार की याद नहीं आने देता। वो हर बिल्डिंग हर जगह को निहारना, मन भर के देखना जिनको सपनों में देखा करते थे, आज वो हकीकत बन गई थी। वो चेहरे पे मुस्कान, एक नई उम्मीद के साथ हमारा सफ़र शुरू होता है। क्लासेज, सुबह 8:30 से क्लासेज, वो कभी ब्रेकफास्ट करना, कभी स्किप करके क्लास लगाना, कभी 8:20 पे उठना, 8:30 की क्लास में जाना, वो फ्राइडे नाइट ना सोना, वो सैटरडे लंच टाइम उठना और छोले भटूरे खा के फिर से वापस हो जाना, और ये सब कर ही रहे होते हैं, न जाने कब मिड सेम एग्ज़ाम आ जाते हैं। वो देर रात जगना अब काम आता है, देर रात तक पढ़ना, फिर निसी का कहना कि चल विक्की के पैसों की चाय पीते हैं, और एक टी पोस्ट की चाय सारे दिन की थकान दूर कर देती है। फिर आके फिर पढ़ना, फिर भूख लगने पे आपस में लड़ना कि कौन अतुल बेकरी से सामान लाएगा। इन सब से अलग मेरी और एक दुनिया है, जिसकी बागडोर मेरे हाथ में है, वो मेरी क्लास है। वो आकाश का सिस्टम नाम रख देना, वो अकरीत से हरियाणवी में बातें करना, वो अमन का शांत शांत रहना, अंशिका से नवाबों के शहर लखनऊ की मीठी बोली सुनना, वो अंतोरी से बंगाली सीखना, वो आशीष से राजस्थान के किस्से सुनना, वो दीक्षा का एस्थेटिक अंदाज़, दीप्ति से बंगाली में बातें करना, वो गोविंद से मथुरा के गली गली के बारे में जानना, वो मिश्रा जी का पढ़ने का अलग अंदाज, हिमांशु का शांत स्वभाव और जैस्मीन से साउथ की बातें सीखना, जतिन रजत के साथ बैठकर हरियाणा की याद ताज़ा हो जाती है, जीतू भैया के साथ कैंपस की मस्ती, वो खुशबू का हंसमुख अंदाज, वो किशन और कोमल की वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग, वो कुलदीप से सागर सर की बातें करना, वो महिपाल का मैस में दबा के खाना, रेहान राजा से पी में प्रोक्सी लगवाना, वो मोहन के सो में से 100 नंबर आना, वो मुकेश की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, वो नेहा का पी में लेट आना, निर्मल और प्राप्ति से टूटी फूटी गुजराती में गप्पे लड़ाना, वो प्रीति प्रिया की यारी दोस्ती, प्रीति तन्नु से खट्टी मीठी दोस्ती, वो सानिध्य का कोक साइंस के लिए 100 रुपये का एक्सपेरिमेंट करना, वो शांतनु का कहना कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुब्रज्योति द अलजेब्राइस्ट ऑफ माई क्लास, सुब्रांशु का फ्लाइट से वो रसगुल्ला लाना, वो सौरभ का 24 घंटे जिम में रहना, वो शिवम का सीनेट का इलेक्शन लड़ना, वो सुरेंद्र से तमिल में नानु ने कदली क्रेन कहना, वो विकास जिसका पहला घर लाइब्रेरी है, और अब आते हैं अल्फा बीटा गामा के पापा, हमारे प्यारे विनयपाल, जिनके साथ हमारे कैंपस में काफ़ी यादें हैं। चलो अब कुछ क्लासेस से बाहर की बातें करते हैं। वो देर रात तक ओल्ड पीसी पे बैठना, बैठ कर के आधी रात में खाना मंगाना, वास्ता दीदी से नई नई चीज़ें सीखते रहना, उनके साथ हर फेस्ट में पार्टिसिपेट करके गेम्स जीतना, वो देर रात तक एकेडमिक ब्लॉक 7 की क्लास बुक करके पढ़ना, और फिर आ कर के दोस्तों के संग एक हॉस्टल का चक्कर लगाना, और फिर बैठ कर के एक टी पोस्ट पे चाय पीना, वो देर रात तक जगते रहना और सुबह की क्लासेस के टाइम पे ही जगना। कुछ ऐसा ही था हमारा सेमेस्टर 1 का सफ़र। सेमेस्टर 1 ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत यादें बनी, बहुत रिश्ते बने, कुछ अनोखा ही था सेमेस्टर 1 का सफ़र। ये सफ़र नॉट जस्ट एकेडमिक्स का था, बल्कि एक नया ज़िंदगी का चैप्टर भी। हर लेक्चर, हर असाइनमेंट और हर इंटरेक्शन से नए दरवाजे खुले, मुझे नया एंगल दिया।
इस सफ़र में हॉस्टल लाइफ ने भी एक अलग ही माहौल दिया। रूममेट से लेकर हॉस्टल के दोस्तों तक, हर कोने से है एक कहानी। सेमेस्टर वन के सफ़र के अंत में जब मैं पलट कर देखता हूँ तो दिल में एक अजीब सी खुशी मिलती है। ये नहीं कह सकता कि हर दिन सुखद था, लेकिन हर दिन कुछ खास बात थी। दिल से शुक्रिया IIT गांधीनगर और मेरे सारे बैचमेट्स को जिन्होंने इस सफ़र को यादगार बनाया। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच।